टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले शुद्धिकरण करने आएगा तब ना। और कैसे बढ़ेगा तो उसी समय मैं सोचूंगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं कैसे मैं। शुद्धिकरण जो अशुद्ध रहेगा उसी का ना शुद्धिकरण होगा। जो शुद्धिकरण आ रहा है पहले तो उसका थर्मामीटर से चेक करेंगे कि शुद्ध है कि नहीं है। वो तो शास्त्रार्थ से होगा ना, थर्मामीटर लगाएंगे चेक करेंगे कि शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। पहले अपन उसका शुद्धिकरण चेक करेंगे, हाउ प्योर ही और शी इज। आओ तो सही शुद्धिकरण करने, पहले तुम शुद्ध हो कि नहीं शुद्ध हो पहले ये बताओ, अपने वचन कर्म से बताओ। तो जिनको जहाँ सलामी ठोकना है ठोके, हमारा काम सीधा है सफाई अभियान कि भैया हम IAS बन जाने, इसका सिस्टम बदल देंगे। अरे जो सिस्टम चलाने वाला पता है कि वो जानता है कि नया बाबू आया है मुर्गा, एक लाइन बोलिएगा संटिंग डस्टबिन में डाल देगा। दिमागी कचरा जो है उसको साफ करने में बहुत मेहनत लगता है, उसको साफ करने की तैयारी करें, दिमागी कचरा साफ करूंगा, ये मेरा प्रण है। सर आप लोग तमाम बहुजनों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कुछ उसमें सुधार हो रहा, जागरूक हो रहे हैं लोग? सुना है कि इस बार थोड़ा कावड़ में संख्या थोड़ी कम हुई है, सुना है, अभी क्रॉस चेक नहीं किए हैं। तो सुधार कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन प्रयास जारी रहना चाहिए। और हम कोई अजूबा आदमी थोड़े ही हैं, और जितने यहाँ पे वक्ता हैं अजूबा थोड़े ही हैं, पहले से भी हजारों साल से लोग सुधार अभियान चला ही रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्रयास करते रहना चाहिए, 10 लोग भी सुधरेगा तो हम समझ जाएंगे कि मेरा काम सफल हो गया। सर आप एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा, आपने कहा कि हमारा कोई शुद्धिकरण करे तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ये टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? कौन शुद्धिकरण करना? आपका एक वीडियो इतनी क्लिप हो रही है कि अगर कोई हमारा शुद्धिकरण करने आए हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पहले शुद्धिकरण करने आएगा तब ना। और कैसे बढ़ेगा तो उसी समय मैं सोचूंगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं कैसे मैं। शुद्धिकरण जो अशुद्ध रहेगा उसी का ना शुद्धिकरण होगा। जो शुद्धिकरण आ रहा है पहले तो उसका थर्मामीटर से चेक करेंगे कि शुद्ध है कि नहीं है। वो तो शास्त्रार्थ से होगा ना, थर्मामीटर लगाएंगे चेक करेंगे कि शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है। पहले अपन उसका शुद्धिकरण चेक करेंगे, हाउ प्योर ही और शी इज, ये उसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ाने का। आओ तो सही शुद्धिकरण करने, पहले तुम शुद्ध हो कि नहीं शुद्ध हो पहले ये बताओ, अपने वचन कर्म से बताओ। सर हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आप लोग यहाँ पर बता रहे हैं कितनी बुराई है, ये हैं वो हैं, तमाम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। सर देखिए एक समाज जो है मोनोलिथिक समाज नहीं होता है, ये दलित समाज बहुजन समाज यहाँ इकट्ठा है, ये मोनोलिथिक नहीं है ना। इसमें RSS में भी कुछ लोग जाएगा, कुछ भाजपा में भी जाएगा, सरकार है तो वहाँ भी सलामी ठोकेगा, कुछ लोग किसी और सरकार में सलामी ठोकेगा। तो जिनको जहाँ सलामी ठोकना है ठोके, हमारा काम सीधा है सफाई अभियान। और आपके दिमाग में कचरा बैठा हुआ है उसको सफाई अभियान चलाना है, हमारा ये काम है। कई धार में एक घर में चार लोग होते हैं, चार की अलग अलग धाराएं होती हैं। 5 साल का कार्यकाल कैसे देख रहे हैं उनका, कोई काम आप बताइए? अच्छा था, शांति प्रिय आदमी, शांत बैठे रहे, शांति प्रिय आदमी थे 5 साल तो शांति से बैठे रहे, ये काम था। और क्या खास नहीं कुछ बोले, यही उनका काम था। और उसको उन्होंने बहुत ही कर्तव्य परायण की तरह उन्होंने निभाया उसको, हाँ। सड़क पे लड़ने के लिए हम लोग हैं ना, बाकी लोग कुर्सी पे बैठने के लिए जो लोग बैठे हैं बैठे हैं, हम लोग सड़क पे अपना संघर्ष करते रहे। रिजल्ट तो नहीं आ रहा, क्या वजह है? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो हर समय आप एग्जाम देते हैं, UPSC का एग्जाम देते एक ही बार में पास कर जाते हैं, कई बार जिंदगी भर देते रहते हैं नहीं पास करते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा है, चर्निंग तो हो रही है ना, लगातार कॉपी सबमिट नहीं हो रही ना रिजल्ट आने की बात। कोई बात नहीं है, इतना लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, रिजल्ट हम थोड़ी केमिस्ट्री का लैब है कि एक दिन में इधर से डालेंगे आलू उधर से निकलेगा सोना, है ये तो है नहीं। ये तो समाज के परिवर्तन में 100 साल लगते हैं तो इतना 1 इंच समाज खिसकता है आगे। लेकिन आप देखिए हम तो कम से कम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में एक व्यापक तौर पर बदलाव दिख रहा है। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, गिरफ्तारी से नहीं डर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। दूसरा विश्वविद्यालयों में खास तौर से, और सोशल मीडिया का एक कमाल है कि नए नए एक्टिविस्ट आ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, अंबेडकर पे बहस हो रही है, फूले पे बहस हो रही है, परियार पे बहस हो रही है। तो ये पहले सुना था आपने? नहीं सुना था ना, इतने व्यापक तौर पर ये सब हो रहा है तो कुछ तो हो रहा है। अरे हम लोग जैसे एक्टिविस्ट लोग समाज से भी कुछ ले नहीं रहे हैं ना।
सर आप लोग तो बोल रहे हैं, लेकिन जिन्हें ज्यादा बोलना चाहिए वो बड़े शांत हैं। किन्हें ज्यादा बोलना चाहिए? जो नेता है, जो लीडर है। तू तो नेता जवाब देगा ना, वो सब तनखैया लोग हैं तो उस पर क्या टिप्पणी करें। तनख्वाह मिलता है TADA में, हमारे दलित बैकवर्ड नेता सब तो आते हैं तो वो पहले एयरपोर्ट पर उतरते लाइट देखे, इसे लाइट देखते रहते हैं कितना बढ़िया लाइट है। 4 साल तक कनॉट प्लेस घूमने में, अशोका होटल ली मेरेडियम में सुबह में बैठते हैं तो लगता है जन्नत मिल गया, और जब इलेक्शन आता था पता लगता है 5 साल बीत गया कुछ किए ही नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह का लीडरशिप खास तौर से इस कम्युनिटी से प्रमोट करती है, पहले थर्मामीटर लगा के चेक करती है गजेंद्र का, देखो तो रीड है कि नहीं है, थोड़ा सा भी रीड देख देता है तो उसको साइडलाइन कर देता है। मैंने आज कही एक बात, आपने ध्यान नहीं दिया कि जिनको चुनाव लड़ना है लड़े, हम लोग तो सड़क पे ही रहेंगे, सफाई अभियान चलाएंगे। तो थर्मामीटर लगा के चेक करता है। बहुजन जमात चुनाव की तैयारी तो आपकी भी है ना सर? कहाँ पे? आप भी तो लड़ना, हम कोई पार्टी चलाते हैं? नहीं, लोग कह रहे हैं कि चुनाव की तैयारी कर, नहीं हम राजनीतिक विकल्प इस देश में पेश करना चाहते हैं। इसके लिए चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, कोशिश ये रहेगी, सफल होंगे नहीं होंगे हम नहीं जानते। सर जब तक प्रोफेसर साहब लोकसभा नहीं पहुंचेंगे तब तक चेंज कैसे हो सकता है? अच्छा, ये पहले आप पहले बोलेंगे आपके जैसे नौजवान के IAS बन जाएंगे तब चेंज करेंगे, कितना लोग चेंज किया है? लोकसभा चले जाएंगे तब चेंज करेंगे। तो हम स्टूडेंट डे से सुनते आ रहे हैं कि भैया मुझे IAS बन जाने दीजिए, इसका सिस्टम बदल देंगे। अरे जो सिस्टम चलाने वाला पता है कि वो जानता है कि नया बाबू आया है मुर्गा, एक लाइन बोलिएगा संटिंग डस्टबिन में डाल देगा। तो लोकसभा में जाके ही सब कुछ बदलेंगे ये किसने कहा है? मौका दे तो सर सोचोगे का? अभी फिलहाल इसका कोई चक्कर नहीं है, फिलहाल मैंने कहा है। फिलहाल कोई उम्मीद है नहीं, हम आई एम ए पॉलिटिकल मैन, चुनाव लड़ चुके हैं ना, हम चुनाव लड़ चुके हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी में रहा हूँ, अब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, अब छात्रों को तैयार कर रहा हूँ, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल। मैंने क्या कहा कि पॉलिटिकल जो अल्टरनेटिव पेश किया जाएगा इस देश एजेंडा के साथ, मैंने कहा ना कि अडानी का पूरा नेशनलाइज करेंगे, ये हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा जाके कर्मकांड करना नहीं है, ये एजेंडा है पॉलिटिकल भी, लेकिन उसके लिए लीडर्स चाहिए, कर्मकांड डीलर्स नहीं चाहिए हमें। कर्मकांड का जिक्र किया आप, शुद्धिकरण बहुत कर रहे हैं, मतलब घरों का नहीं, सफाई कर रहे हैं, सफाई है ना, बहुत घर जो है ना शुद्धिकरण ऑलरेडी हो चुका है। जब सफाई के, मैं टीचर हूँ, जब हमारे छात्र आते हैं तो पहले उसका स्लेट जो है पहले साफ कर देते हैं, नया स्लेट चमकता रहता तब उस पर चौक से लिखिए तो साफ साफ दिखता है। हजारों साल का जो कचरा घुसा हुआ है, ये काम तो बुद्धिस्ट मॉन्क लोगों को करना चाहिए था, है ना, बुद्धिस्ट लोगों को करना चाहिए था, तो वो लोग नहीं कर पाए, तभी तो आपके घर में घुसे आडंबर पाखंड। तो हमारे जैसे हमको लगा कि पॉलिटिकल काम करके मुझे लगा कि इस शुद्धिकरण वाला काम ज़्यादा जरूरी है, है ना, सफाई अभियान, हाँ, तो इसको सफाई करो पहले। मोदी जी की सफाई में और आपकी सफाई में क्या अंतर है? उस सड़क पे झाड़ू लगा के फोटो खिंचवाते हैं, हम रोज बोल बोल के 500 आदमी को तैयार करते हैं कचरा साफ करो, दिमागी कचरा हम साफ करते हैं। सड़क का कचरा तो कभी भी स्टाफ साफ कर देगा, दिमागी कचरा जो है उसको साफ करने में बहुत मेहनत लगता है, उसको साफ करने की तैयारी कर रहे हैं। दिमागी कचरा साफ करूंगा, ये मेरा प्रण है।